हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा एक पेपर फ्लावर बनाना, यानी कि एक पेपर के थ्रू हम किस तरीके से ये इंटरेस्टिंग फ्लावर बना सकते हैं जो कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से हम ये फ्लावर बना सकते हैं। तो ये फ्लावर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पेपर लेते हैं जो कि एक स्क्वायर पेपर है, यानी इसकी विड्थ और हाइट दोनों बराबर है। अब सबसे पहले हमें इसको डायगोनली फोल्ड करना है, तो हम इसको डायगोनल फोल्ड कर लेते हैं। ये हमने इसको डायगोनल फोल्ड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हमें मिलाना है। इसको मिला के हम यहाँ पे एक क्रीज बना लेते हैं, इस तरीके से इसको फोल्ड करके क्रीज बना लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे फ्लैप को भी हम इसे फोल्ड करके एक क्रीज यहाँ भी बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमने फोल्ड किया था इसको वापस रिवर्स फोल्ड करेंगे यहाँ से, और इस लाइन को इस लाइन के साथ मिलाएंगे। तो करके देखते हैं, ये हमने इस लाइन के साथ मिला दिया और एक क्रीज बना दिया। इसी तरीके से अब दूसरी साइड भी हमें इसको मिलाना है। ये देखिए, दोनों तरफ का मिला दिया। अब हमें क्या करना है, इसको वापस खोलेंगे और इस फ्लैप को हम यहाँ से ऐसे निकालेंगे, इसको खोल के ऐसे पुश करके ऐसे प्रेस कर देंगे, तो ये एक इस तरीके का शेप ले लेगा। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। और इसको ऐसे खोल लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इस लाइन के साथ इस पर मिला लेंगे। तो मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ और इस लाइन तक लाके क्रीज बनाता हूँ। इसी तरीके से इस तरफ भी हम इसको फोल्ड करेंगे। और अब इस फ्लैप को ऐसे फोल्ड कर दीजिए और इधर वाले को भी ऐसे फोल्ड कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास एक और शेप तैयार हो गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इन दो फ्लैप्स को आपस में ऐसे फोल्ड करके पेस्ट कर देना है, यानी कि हम इधर और इधर ग्लू लगा के इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जो फ्लावर का एक शेप है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमें पांच शेप्स तैयार करने हैं, तो इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पेस्ट कैसे करना है। मैं यहाँ पर ग्लू लेता हूँ और एक साइड में ऐसे लगा देता हूँ। और इस फ्लैप को ऐसे बराबर हम आपस में मिला देते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रेस नहीं करना वरना हमारी शेप ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम इसके अंदर हाथ डाल के ऐसे प्रेस करते हैं और थोड़ी देर इसको बस सूखने के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये तैयार हो जाए। इसी तरीके से मैंने कुछ और शेप्स पहले से बना के रखी हुई हैं इसकी, ताकि हमें इजी हो फ्लावर को असेंबल करने में। तो अब हमें क्या करना है, ये सारी शेप्स हमारी पहले से तैयार हैं, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, इन सारी शेप्स को यानी पांचों शेप्स को आपस में कंबाइन करके जोड़ देना है। तो इस तरीके से कुछ शेप्स आनी शुरू हो जाएंगी जब ये सारी जुड़ेंगी। तो क्या करते हैं हम, उसके लिए सबसे पहले हम ग्लू लेते हैं और एक साइड पर लगाना शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि ग्लू सूखने में टाइम ले सकता है।
इसी तरीके से अब हम दूसरी तरफ भी ग्लू लगाएंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सारे शेप्स आपस में पेस्ट करने के बाद हमारा ये जो फ्लावर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और कुछ इस तरीके से शेप बनाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से हमने छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर से इस तरीके का एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बनाया। अगली बार हम कुछ और नया ट्राई करेंगे और नई चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा और देखेंगे कि किस तरीके से हम और पेपर फन, यानी कि हम पेपर के थ्रू किस तरीके से और नई नई सी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम काफ़ी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि फ्यूचर में और भी वीडियोज़ में डाल सकूँ और आपको ये चीज़ें छोटी छोटी सी पेपर के थ्रू बना के सिखा सकूँ।